रहे जो अगले बरस तो हम हैं और ये गम है, जो चल बसे तो अपना सलाम आखिर। आदाब, मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज, खबर वही जो हो सही। 2 महीने 8 दिन के मुहर्रम की आजादारी आज मुकम्मल हुई और तमाम दुनिया में साठे का जुलूस निकला, जिसमें नौहा खानी करते हुए और मातम करते हुए आजादार चल रहे थे। कदीमी तरीकत से साठे का जुलूस निकलकर दरगाह फातमान पहुंच चुका है। आई जहरा की सदा, ए हुसैन अलविदा की सदा से पूरा शहर गूंज रहा था। पूरे मुल्क के आलम इस्लाम द्वारा आज साठा पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। गम शहादत हुसैन का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर सभी जगहों पर अलम के जुलूस निकले और गम हुसैन में मातम तथा नौहा खानी हुई। इसी क्रम में वाराणसी के दालमंडी स्थित पुरानी अदालत के शब्बीर और शब्दर इमामबाड़े से एक आलिशान जुलूस निकला, जो समाचार प्रकाशन तक दरगाह फातमान पहुंच चुका है। फातमान में जुलूस पहुंचने पर नौहा खानी और मातम का सिलसिला जारी है। हर सू सदा ए हुसैन अलविदा आ रही है, जहां सिक्कड़ और चाकुओं से भी मातम हो रहा है। अंजुमन हैदरी इमामबाड़ा शब्बीर और शब्दर से निकला ये साठे का जुलूस दालमंडी, नई सड़क, शेख सलीम फाटक, काली महल और पितृकुंड होते हुए दरगाह फातमान पहुंचा। जुलूस में अंजुमन जवादिया की जानिब से मौलाना सैयद यूसुफ मजदी ने पितृकुंड पर लगे मंच पर तकरीर किया और शहादत हुसैन का जिक्र किया। जुलूस में हुसैन के आजादार सिक्कड़ का मातम करते हुए दरगाह फातमान पहुंचे। दालमंडी से लेकर जुलूस गुजरने वाले हर रास्तों पर सबील चली। सबील में नन्हे आजादार लोगों को पानी पिलाते नजर आए। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मैं शाहीन आपसे इजाजत लेती हूँ।